मम्मी तो अभी घर पे ही है हाँ. लेकिन डैड अभी वही कर रहे हैं जो पहले भी करते थे. डैड एक वॉचमैन है. मैं सिर्फ एक और एमएसके को जानता हूं और उसको बड़ी गालियां पड़ती हैं आजकल बिकॉज भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर हैं एमएसके प्रसाद. लेकिन आज जो दूसरे एमएसके हमें ज्वाइन कर रहे हैं वायरल सिटी पर, भैया ये तो बहुत ही पॉपुलर है, मोहम्मद सलीम खान. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए. कैसा लग रहा है, रेडियो स्टेशन पहले आए हो? नहीं, फर्स्ट टाइम. क्या बात कर रहे हो यार. तो पता है हमारे सबसे ज्यादा जो लिसनर्स होते हैं ना वो एक्चुअली दर्जी होते हैं. तो आई हैव टू आस्क यू कि आप क्या एक जमाने में बहुत रेडियो सुना करते थे? यस. अच्छा. मैं काफी ज्यादा रेडियो सुनता था पहले. हाँ. और रेडियो से ही शुरुआत हुई थी कि कैसे बात करना है और जो बात करने का लहजा होता है. हाँ. वो मैं सीखने के लिए रेडियो सुनता था. यार ये बड़ा लंबा एक सफर रहता है, ठीक है. ये लास्ट 2-3 साल में दुनिया बदल चुकी है जब से डिजिटल का दुनिया है. हाँ. लेकिन तुम्हारी दुनिया पहले से काफी बदलने लग गई थी. तो वो एक चाह होती है कुछ और करने की, सपने होते हैं, सपने को साकार करने के लिए काफी सारी चीजें की जाती है. तुम रोडीज में जाके ऑडिशन राउंड तक पहुंचे हो. तुमने गाली गलौच दी या तुम्हें सुनाई गई थी? सुनाई गई थी. क्योंकि ऐसे क्या हरकत की थी तुमने कि तुम्हें सुनाई गई थी? सी, मैं बहुत जिद्दी लड़का था और मुझे ऐसा मैं कोई रियलिटी शो देखता नहीं था. मैं सिर्फ एक ही शो देखता था, वो था रोडीज. अच्छा. और उस टाइम पे मेरे घर में टीवी नहीं होता था. अच्छा. तो मैं उसको इंटरनेट पे देखता था. तो मेरे अंदर ऐसा था कि यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. तो ऐसा क्या था कि मतलब कि तुम दबंग खिलाड़ी थे? मैं तो ये पूछा था, शाबाश थे. अब मुझे सॉरी बहुत पूछना नहीं चाहिए रेडियो पे, पर अभी आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए तो आप बोल सकते हो. क्या आपने अंडर एज में स्कूटर चलाना और गाड़ी चलाना सीखा था? मेरे पास तो स्कूटर गाड़ी नहीं थी, अंडर एज में कैसे जमाज तरीका क्या था? क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कभी कभी जिंदगी में आप ये कर सकते हो. तो आप घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, आपको एक बार जाना पड़ेगा वहां पर, देखना पड़ेगा कि क्या सही में आप कर सकते हो. उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद ऑडिशन में गया था, वहां पर उन्होंने बाल बाल कटवा दिए. फिर थोड़ा नोटिस में आया मैं, तो मैं वहां पर रैप करने लगा था. रैप मेरा नहीं था, मैं गुलाम पटेल का किया. सुना, मैं रैप करने लग गया था. देखो मेरी बातें सुनकर हंसना नहीं, मैं सच कहता हूँ. तो मैं बोला रुजा भाई तेरा क्या है, तेरा तो है ही नहीं है. मैंने बोला तेरा कुछ बनाया? मैं नहीं बनाया. तो उसके बाद में फिर मैं दिल्ली में गया. अच्छा, दिल्ली भी गया उसके बाद? दिल्ली भी गया. लेकिन उस टाइम पे जो दिल्ली ऑडिशन में था वहां पर उस रूम पे मैं हीरो था. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू रैप गाने वाला, तो कुछ बनाया क्या अपना? तो फिर मैंने कहा मैंने बनाया. तो मैं गाया लेकिन गा नहीं पाया. फिर उसके बाद में वहां पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ. फिर चंडीगढ़ गया, वहां पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ. तूने तो भारत दर्शन कर दिया, तेरे ऊपर एक स्टोरी बनानी चाहिए. हां, वो ना वो फेलियर से ही आदमी जो है जाके जीतता है आगे जाके. मेरे को लगता है आपको ये पता नहीं खुराक थी, पता था क्या था, बट जज्बा तो फुल ऑन है यार. नहीं, वो एक लाइफ का लेसन था मेरे लिए कि चलो ठीक है, शायद ये लोग नहीं समझ रहे मेरी कैपेबिलिटी को, लेकिन मैं तो समझता हूँ, मैं खुद अपना रियलिटी शो बना सकता हूँ. केरलाइट एंड बंगाल का क्या अजब गजब कनेक्ट है. मोहम्मद सलीम खान हमारे साथ आज, बहुत बड़े व्लॉगर, एंड आई कैन नॉट बिलीव दैट एक टाइम पे ये लेडीज टेलर भी थे. यू आर गुड लेडीज टेलर एमएसके. आज सबसे बता दो, अच्छे थे कि नहीं थे? बहुत बढ़िया था. मैं अभी भी अगर मशीन में बैठू तो सलवार कमीज सिल सकता हूँ. अच्छा भाई, मैंने सुना है कि थोड़ी देर पहले तेरी रोडीज की स्टोरी सुन ली. हाँ. एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है 4-5 लोकेशन पर जाना. हाँ. या तो पढ़ा कि तू क्रिकेटर भी बनना चाहता ना? माय गॉड, यस. तो मतलब वर यू अ गुड प्लेयर और बैड प्लेयर? वेरी गुड. अक्सर बोलते हैं ना ऑलराउंडर. हाँ. तो ऑलराउंडर था? नहीं, लास्ट टाइम अगर जैसे मैच में 50-100 रन चाहिए होते हैं. हाँ. तो मुझे भेजा जाता था छक्का चौका मारने के लिए. लॉन्ग हैंडल एकदम अपन तोड़ताड़ बैट्समैन देते. मैं अंडर 15 में एमसीए कैंप सिलेक्ट हुआ था. वाओ. तो एमसीए कैंप से शुरुआत होती है. मैं विनोद कांबली जी के साथ में खेला हूँ. Wow. तो उनको मैं बॉलिंग किया था क्योंकि हमारा शिवाजी पार्क में वो ग्राउंड होता था. तो एसपीजी क्लब में जब मैं अंडर 17 में पहुंचा था तब वहां पर विनोद कांबली आए थे एक बार. तो ऐसे होता ना जब एक यंग फास्ट बॉलर जो अपना नाम बना जाता, अच्छा सा खिलाड़ी सामने होता है. Hmm. तो दो चीजें करना थी, या तो आउट करना है या इनके सर पे या ऐसे कुछ करना है. ऐसे दिमाग में रहता ना, मैं भी दिखाऊं कि मेरे में अंदर कुछ जज्बा. ऐसे कुछ किया तुमने? दिमाग में था कि यार कैसे इनको बोल्ड कर दो ताकि नजर में आ जाओ लोगों के. लेकिन वो बोल्ड करने के चक्कर में बहुत छक्के पड़े. But I have to still ask you, Salim,
इट्स रियली शॉकिंग कि आप कितने इंटरेस्ट के बाद यहाँ तक पहुंचे. और मैं अक्सर सोचती हूँ कि बचपन में ना हमारे अंदर एक कोई क्वालिटी होती है जो आगे जाके आपको याद आता है कि हाँ ये तो मैं इस डायरेक्शन में जा ही रहा था. तो आपके अंदर क्या वो क्वालिटी थी जो आपको लगा कि आप रियलिटी शो में आने ही वाले हो? आप आईने में देख के बातें करते थे बहुत ज्यादा, आप लोगों को इकट्ठे करके स्टोरी बताते थे, क्या था आपका? मेरे को भी नहीं समझ में आया ये, सीरियसली मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ. बेसिकली ना ऐसे लिंक्स डॉट्स कनेक्ट होते गए. बेसिकली मैं बनना चाहता था क्रिकेटर. बैक में इंजरी हुआ, मैं नहीं खेल पाया. अब क्रिकेट के बाद अगर कोई प्रोफेशन मेरे जिंदगी में करीब था वो था बॉलीवुड. क्योंकि मैं बॉलीवुड मूवी बहुत देखता था और हरकतें भी वैसे ही करता था. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ. हरकतें क्या है वो मैं पूछ रही हूँ. नौटंकी. हाँ, जैसे माँ खाना दे दो. अच्छा डायलॉग के साथ रोजाना लाइफ. तो पर बुरा भी तो लगा होगा उनको कि लड़का होनहार क्रिकेटर था, कुछ कर सकता था, नहीं होता है. स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में बड़ी इंजरी आती है तो माँ बाप को बड़ा समझ में नहीं आता क्योंकि इसने तो लाइफ डेडिकेट कर दी स्पोर्ट्स के लिए, तो अब आगे क्या करेगा. तो उस वक्त ऐसा था, मुझे लगता है कि वो जो इंजरी हुआ था ना, मेरे को सही खाना नहीं मिलता था, मुझे ऐसा लगता था. क्योंकि उस जिस टाइम पे मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे मेरी जिंदगी में पैसे की बहुत कमी थी. हम लोग मतलब अभी तो मैं कहता हूँ, अभी मम्मी पापा, मम्मी तो अभी घर पे ही है, लेकिन डैड अभी वही कर रहे हैं जो पहले भी करते थे. डैड एक वॉचमैन है. Really? But that's amazing, Salim. I'm so impressed. Oh my God. That's amazing. नहीं तो उस सफर से कैसे गुजरे फिर आप, उसके आगे कैसे गए? तो पैसे नहीं थे. डैड वॉचमैन की नौकरी करते थे उस टाइम पे, उनको कुछ 4,000 सैलरी था. मॉम दूसरों के घरों में बच्चे संभालने का, बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े का धोने का काम करते थे, तो उनको मिलता था 2,000. हमारे घर का रेंट था 2,000, तो बहुत ही मुश्किल से पैसे बचते थे. और ईद में मेरे सारे दोस्त नए नए कपड़े पहनते थे, मुझे नहीं मिलता था नए कपड़े पहनने का मौका. तो ये सब चीजें चल रही थी, तो मुझे ऐसा उस टाइम पे लगता था कि यार बहुत दिल से मतलब ऐसी चाह थी कि मैं क्रिकेटर बनूं. तो ये बताओ फिर वो छलांग कब लगी? सडनली तुमने एक वीडियो बनाया, लोगों ने देखना शुरू किया, व्हाट इज आवर फर्स्ट व्यूज बढ़ते चले गए. उससे पहले मैं अपनी जिंदगी में ना बहुत एस्टैब्लिश्ड हूँ. मतलब ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मजाक में शुरू किया. मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं व्यूज आएंगे, लोग मुझे पसंद करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था. मेरे लाइफ में सिर्फ सिंपल फंडा था कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और उसके लिए ये चीज अगर मैं करूंगा तो थोड़ा हेल्प मिलेगा. करेक्ट करेक्ट. जैसे कि हर कोई सोशल मीडिया चालू करता है ऑगमेंट करने के लिए जो वो कर रहा है. हम लोग भी रेडियो पर अगर करते हैं या कहीं करते हैं, वी ऑल्सो डू दिस टू एनहेंस दिस. मेरा सबसे पहला ये था कि मुझे पहले अपने घर की जो मनी प्रॉब्लम है सॉल्व करना है. मैंने ये सुना था कि पैसा हर परेशानी की जड़ होता है, लेकिन ऐसा है कि पैसे की कमी हर परेशानी की जड़ होती है. तो मुझे पहले ये खत्म करना था. दैट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किया, देन इंश्योरेंस बेचा, देन शेयर मार्केट किया, फिर म्यूचुअल फंड किया. शेयर मार्केट में लॉस हुआ होगा उसके बाद? शेयर मार्केट में मुझे लॉस नहीं हुआ. ये लक की बात मैं कहूँ तो लक बहुत अच्छा है मेरा. मैंने जो भी काम जिंदगी में किया सब हो गया. तुमने अपना लक खुद बनाया ब्रदर, खुद बनाया तुमने अपना लक. तो जो जो चीज मैंने चाही थी, और एक बहुत ही क्रेजी वाला मेरे ना अंदर शौक था, मुझे एक बाइक खरीदी थी यामाहा R1 जिसका प्राइस था 21 लाख. Oh God. Okay. और जिस टाइम पे मैं ये सपने देख रहा था उस टाइम पे उस जगह पे घरों की कीमत होती थी 20 लाख. तो मुझे वो लेने के लिए सबसे पहले घर लेना था, एक गाड़ी लेना था, फिर वो बाइक लेना था. तो फिर मैंने मुंबई एट द एज ऑफ 21 मैंने मुंबई में खुद का घर लिया, देन गाड़ी लिया फॉक्सवैगन पोलो, देन मैंने बाइक लिया. जबरदस्त. और तू सिर्फ बाइक चलाता है? और जब मैंने वो बाइक लिया, ठीक है, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में सिर्फ 50,000 थे. तो वो बाइक वही है वो आदमी जिसके पीछे सारे लोन वाले भागते रहते हैं. वो लोन के नहीं लिया. तो फिर वो मैंने डायरेक्ट कैश लिया. क्या बात. मैंने लोन पे कुछ भी नहीं लिया. इट्स लाइक क्रिकेटर
यू नो दर्जी ऑनलाइन में, इतने अमेजिंग काम इन्होंने किए। जेफ बेजोस के बाद इन्हीं का नाम आता है भैया ऑनलाइन में। एक्चुअली कीप अप योर बॉडी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा सेटबैक था, क्रिकेटर का जो एक सपना था वो जो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ बैक इंजरी, आई एम श्योर आज आपको आपकी बॉडी देख के से लगता है कि फिटनेस में कुछ तो करते हो। नहीं तो कैसे ही आपकी बचपन की है? मैंने दो तीन साल पहले मिक्स मार्शल आर्ट किया था 2 साल, तो उसी का आफ्टर इफेक्ट है। ऐसे खाने का शौकीन है क्या? बहुत यार, तू बहुत यंग है, बहुत एडवांटेजेस है। अच्छा सुन, बट व्हाट इज दिस व्लॉगिंग, कैसे किया जाता है ये? लाइक अगर बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर बच्चन खुद जब वो स्टार्ट कर रहे थे उन्होंने बोलना शुरू किया था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इंटरेस्ट। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, राइट? मैं थोड़ा सा शुरू से शुरू करना चाहूंगा। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे व्यूज लाने हैं, मुझे मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। मेरा ऐसा फंडा था कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, बिकॉज मैंने एक्टिंग स्कूल किया था, वहां पर मुझे एक्टिंग करने का शौक चढ़ा था, तो व्लॉगिंग मैंने शुरू किया जस्ट टू लर्न समथिंग, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और अगर कोई डायलॉग होता था तो मैं एकदम बाय हार्ट करके बोल देता था, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियसली कुछ कहना है तो फिर वो नहीं होता था। तो वो चीज इंप्रूव करने के लिए और टू लर्न एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग मैंने व्लॉगिंग शुरू किया। ये कौन से साल में था? ये 16-17 This is during your failed attempts of trying to be in roadies. हाँ, ये उसी साल की। हाँ, ये उसी साल की बात है। फिर तो ऐसा हुआ, फिर लोगों को पसंद आने लगा। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी लाइफ कोई ऐसे सुपरस्टार वाली नहीं है, ना ही बड़ी बड़ी कार्स है या फिर लड़कियां हैं, तो लोग इंटरेस्ट क्यों लेंगे देखने में लाइफ, बट लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो एक साल में काफी लोग जुड़ चुके थे और लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था मेरी लाइफ में। तब तक पैसा इससे कमाना शुरू कर दिया था? यूट्यूब से नहीं। ओके, मेरा पेट पहले भरा हुआ था। अच्छा। तो मैंने पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने पैसे कमा लिए थे बहुत। तो मुझे सीखने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं करते गया जब मुझे 1.5-2 साल हुए तो मैं ये जानना चाहता था कि लोग क्यों जुड़ रहे हैं मेरे से, ऐसी क्या चीज है जिससे लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। किन किन चीजों में हमने वीडियोस बनाए थे? नॉर्मल ट्रैवल, घर में झाड़ू मार रहा हूँ उसके व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ, आप घर पे झाड़ू एक्चुअली मारते हो कि आपने? मैंने वीडियोग्राम बनाया है यार। अच्छा, नहीं, मैं मारता हूँ। कैसे करते हो भाई, कौन सा झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हो, सीख झाड़ू या दूसरा झाड़ू, क्या रिस्पॉन्स? लेकिन सी, मैंने एक चीज नोटिस की 1.5-2 सालों में कि मैं कोई भी चीज को जब रिप्रेजेंट करता हूँ इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस वो इंटरेस्टिंग होता है। तो जब भी मैं व्लॉग करता हूँ तो मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल होता है और मुझे लगता है कि वो स्माइल काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हाय हाय, सिंपल से लड़के के भाई, तो लड़कियां भी सारी आती होंगी। कितनी गर्लफ्रेंड है अभी? तुमने बोला कि लड़कियां उस समय नहीं थी डैन मिलजेरियन की जिंदगी, अब तुम जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, बताओ। नहीं, अभी नहीं है कोई। अभी नहीं है कोई या एक नहीं है कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सीधा साधा भाई, सीधा साधा गड़बड़ वाला लड़का नहीं है तू, ये गर्लफ्रेंड के नाम ले लेते हो 2-4। ऐसा नहीं, मुझे पता है मैं रेडियो में बात कर रहा हूँ। सीखना चाहे आपसे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सच्चाई दिखाता हूँ अपने व्लॉग में। अगर मैं कहीं पे घूमने के लिए जा रहा हूँ तो अगर मुझे पेन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वो बात रखता हूँ, और जब मुझे अच्छा लग रहा है तो वो भी बात मैं रखता हूँ। मैं सिर्फ हैप्पीनेस वाली चीजें नहीं दिखाता हूँ, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि लाइफ में सब कुछ होता है, डिप्रेशन भी होता है, आपको अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। आपको क्यों लगता है आजकल डिप्रेशन के बारे में बहुत बातें हम सुनते हैं ना? हाँ, ये क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं है, लोग चाहते बहुत बढ़ गई है, चाहते बढ़ गई है, और लोग सी, मैं आज मेरी लाइफ में पैसा है, थोड़े बहुत फैंस है, फैंस नहीं कहूंगा मतलब कम्युनिटी के लोग हैं, और थोड़ा एस्टैब्लिश हूं मुझे लगता है, लेकिन जब ये मेरे पास नहीं थे ना तब भी मैं खुश था। करेक्ट, तब भी मैं खुश था और मैं हंसते रहता था, लेकिन उस टाइम पे मैं सैटिस्फाइड नहीं था। ऑब्वियसली बिकॉज़ यू हैव टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। करेक्ट, लेकिन खुश रहने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मुझे, खुश रहने के लिए मुझे कोई अच्छे ग्लासेस की बाइक की जरूरत नहीं, खुश रहने के लिए मेरे पास जो है उसी से मैं खुश रहूंगा, तो खुशी वहीं से आती है।
अब एक लास्ट चेक मेरे को करना जरूरी है, फिर मेरे को लग जाएगा तुम्हारा जुड़वा भाई है। तेरी लाइफ में तेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? कोई तुम्हारे बारे में किताब लिखे, बी बी तुम्हारे पास 5-6 कंट्रीज में घर हो, या फिर सी तुम्हारा एक्चुअली वो भी बेशुमार दौलत भी हुई रहती, या फिर सी तुम दुनिया में किसी को भी काम दिलवा सको और तुम एक गॉडफादर टाइप बन जाओ, क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? भाई तू मेरा जुड़ा भाई है यार, खत्म खत्म, बात यही खत्म हो गई, खत्म यही हो गई बात। मतलब कि कुछ लोग ऐसे काज कर जाते हैं जो सदियों दिलों पे राज कर जाते हैं। इसी लाइन पर भाई जबरदस्त, ही सेड कीप इट रियल, सच्चाई दिखाओगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इंस्टाग्राम में क्रॉप करके फोटो मत दिखाओ बेटा, पूरी फोटो दिखाओ जहां खड़े हो, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली क्या चल रहा है। एमएसके ब्रदर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, इंस्पायरिंग सो मच पीपल विद रियल लाइफ। ये नहीं कि आपने कुछ दिखावा किया है, कुछ भी किया है, इट्स अमेजिंग व्हाट ऑल यू अचीव्ड। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ से लोग रिलेट करते हैं इसलिए मेरे साथ जुड़े हैं, सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय ब्लॉग। कोशिश कोशिश, थैंक यू ब्रदर, या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।